एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं भावना और आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, जिसे हम जेस्टेशनल ब्लड प्रेशर या फिर प्रेगनेंसी में होने वाला हाई बीपी भी कहते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी कि क्या मैंने प्रॉब्लम्स फेस की इस चीज़ की वजह से, क्योंकि मेरा भी प्रेगनेंसी में हाई बीपी था और मैंने क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस किया। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में और जानिए कि क्या क्या हुआ मेरे साथ। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, प्रेगनेंसी में हाई बीपी क्या है, जिसे हम प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन कहते हैं। जनरली हमारा जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर कहा जाता है वो होता है 120/80। हमारे दो टाइप के ब्लड प्रेशर्स ऊपर नीचे हम कहते हैं, जिसे नॉर्मल भाषा में हम कहते हैं ऊपर वाला और नीचे वाला, जिसे सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो ऊपर वाला जो ब्लड प्रेशर है 120, अगर वो प्रेगनेंसी में 140 से ऊपर हो जाता है या 140 हो जाता है तो उसको हाई बीपी माना जाता है। और जो डायस्टोलिक है नीचे वाला जिसे कहते हैं, जिसे हम 80 के कहते हैं कि नॉर्मल इज 80, तो अगर वो 90 क्रॉस करता है, जनरली उसे 100 काउंट कीजिए, अगर वो 140/100 अगर आपका ब्लड प्रेशर क्रॉस करता है प्रेगनेंसी में, तो उसे जेस्टेशनल ब्लड प्रेशर या फिर प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन कहते हैं। और जो मैंने एक्सपीरियंस किया, मेरा ब्लड प्रेशर जो हुआ 6 महीने तक सब अच्छा था। जैसे ही 7th मंथ मुझे लगा, मैंने फील किया कि मेरा सडनली मुझे नींद आना बंद हो गई रात को और मेरे पैर एकदम सूजने लग गए, पैर मोटे मोटे होने लग गए। मैंने सबसे पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि मुझे अजीब फील हो रहा था, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मेरा जी घबरा रहा था क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर था, थोड़ा थोड़ा सर में भी दर्द हो रहा था। तो सबने कहा ऐसा प्रेगनेंसी में होता है, पैर सूजते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2-3 दिन तो मैंने निकाल लिए, लेकिन ज़्यादा टाइम मुझसे निकल नहीं रहा था। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाओ, मुझे कुछ अच्छा अच्छा नहीं लग रहा। क्योंकि 4 तारीख को मेरा 7th मंथ लगा और उसके बाद हमें 14th को डॉक्टर के पास जाना था। मेरे हस्बैंड मुझे 12 तारीख को ले गए, पहले ही ले गए। जब मैंने वहाँ जाके देखा, मैंने अपने डॉक्टर से बात की, मैंने कहा डॉक्टर मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा, तो उन्होंने जब मेरा बीपी चेक किया तो वो था 150/100। तो ये प्रेगनेंसी में एक हाई बीपी था, जिसे हम प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन कहते हैं। प्री एक्लेम्शिया था मुझे, एक्लेम्शिया इसका सीवियर रूप होता है, सीवियर स्टेज होती है प्री एक्लेम्शिया का, जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब कि प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है एक लेडी को। मेरा प्री एक्लेम्शिया था, अगर मैं ध्यान नहीं देती या डॉक्टर ध्यान नहीं देते तो वो एक्लेम्शिया में भी कन्वर्ट हो सकता था या फिर बेबी को भी प्रॉब्लम हो सकती थी। वैसे तो जब प्री एक्लेम्शिया हुआ तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि जल्दी डिलीवरी करनी पड़ती है एक मदर की, क्योंकि क्या होता है कि या तो मदर को ब्रेन हेमरेज हो जाएगा या बेबी को अंदर सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। बहुत सी चीज़ों को फेस करना पड़ता है बेबी को भी और मदर को भी। तो जल्दी से जल्दी मदर मतलब कि बेबी की डिलीवरी कर दी जाती है इस स्टेज में। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या होता है इसमें। जनरली जो एक्लेम्शिया है वो तो एक सीवियर स्टेज है, उसके बारे में हम बात करते हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड 50,000 मतलब 50,000 लेडीज इसकी वजह से मर जाती हैं पूरी दुनिया में, ऐसा आंकड़े कहते हैं, सेंसिस कहता है। तो और हमारे इंडिया में 1-5% लेडीज़ में ये देखा जाता है। वैसे जनरली 1/2000 या 1500 लेडीज़ में ये प्रॉब्लम देखी जाती है एक्लेम्शिया की, प्री एक्लेम्शिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि आजकल नॉर्मली आप 100 में 4, 5, 10 को भी देख लेंगे, क्योंकि जो मैं अपने आसपास भी जब मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ लोगों से पूछती हूँ तुम्हारी डिलीवरी क्या हुई थी, तुम्हें क्या प्रॉब्लम हुई थी, तो उसमें लोग बता देते हैं कि हाँ मेरा ब्लड प्रेशर हाई था, इतना था। इवन हम 6 लोग हैं अपनी सोसाइटी में, जो हम फ्रेंड्स हैं उसमें से एक को तो है, तो मतलब 2 लेडीज़ अगर 6 में देखो तो 6 में से 2 लेडीज़ को है, एक मैं और एक वो। तो फिर इसका मतलब ये है कि आज के लिए जनरली एक नॉर्मल प्रॉब्लम हो गई है, किसी को डायबिटीज़ हो जाती है प्रेगनेंसी में, किसी को कुछ हो जाता है, तो मतलब कि ऐसा एनवायरनमेंट हो गया है ना कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम लगी रहती है सबको कोई ना कोई। तो
इसका जो मेन रीजन है वो डॉक्टर भी नहीं जानते क्यों होता है। ये जेनेटिक्स हो सकते हैं, ये आपका मतलब कि स्ट्रेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इसका रीजन। बट इसकी पहचान क्या है, सडन आपका वेट गेन होगा। मैंने जो उस 4-5 दिनों में 7 kg के अप्रोक्स वेट गेन कर लिया था, जब मैं डॉक्टर के पास गई थी तो 7-8 डेज में मैंने 7 किलो के करीब वजन गेन कर लिया। तो ये बहुत अजीब चीज़ थी कि मतलब कि लास्ट जब मैंने 15 डेज पहले अपना वजन कराया था तो उससे 7 किलो ज़्यादा हो गया था मेरा वजन विद इन 15 डेज। तो ये भी एक बहुत अजीब चीज़ है। तो मतलब अगर आप प्रेगनेंसी में सडन वेट गेन करते हैं तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। आप अपने तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। और अगर आपके पैर बहुत सूज जाए और आपको रातों को नींद नहीं आ रही है, आपको सोने में प्रॉब्लम हो रही है, आपका जी में चिल्ला रहा है, तो भी आप अपने डॉक्टर से बात करें, क्योंकि ये भी एक हाई बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे तो जनरली अपना बीपी चेक करते ही रहे अब सब लोग अपनी प्रेगनेंसी में, क्योंकि 5-6 महीने बहुत अच्छे कटे मेरे। मेरे 6 महीने मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जैसे ही 7th मंथ मुझे लगा, उसके 1-2 दिन बाद मैं देखती हूँ कि मुझे प्रॉब्लम होने शुरू हो गई, क्योंकि मेरा मुझे ऐसा लगा नहीं था कि सब कुछ स्मूथ जा रहा था और अचानक से ऐसा कुछ हुआ, तो मुझे भी बहुत अजीब लगा। तो 12 तारीख को जब मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने मुझे बताया कि 150/100 है। उन्होंने मेरे हस्बैंड को बुलाया और बोला कि इसे तुरंत एडमिट कर दो हॉस्पिटल में, और मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। 2-3 दिन देखेंगे, अगर बीपी कंट्रोल हो जाता है तो थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, दवाइयाँ वगैरह दे देंगे। बट बीपी कंट्रोल नहीं हुआ, और उस दिन से लेके जब तक मेरी डिलीवरी नहीं हुई तब तक मैं हॉस्पिटल में थी। फिर 15th को मतलब 12 मार्च को मुझे एडमिट किया गया। फिर 15 मार्च को मुझे फोर्टिस हॉस्पिटल से ट्रांसफ़र करके इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। और फिर उसके बाद मैंने अपनी डिलीवरी तक का टाइम वहीं काटा, जब तक मेरा बेबी हो नहीं गया और मैं डिस्चार्ज होके वापस नहीं आई। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जब हमें हाई बीपी होता है बच्चों का, मतलब कि जो हमारी डिलीवरी है वो तो ऑब्वियस सी बात है प्री मिच्योर ही करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी बॉडी ज़्यादा दिन तक उसे झेल नहीं सकती। इवन मेरी बॉडी भी झेल नहीं पाई, तो जल्दी से जल्दी मेरा सी सेक्शन किया गया, इमरजेंसी सी सेक्शन, और मेरी प्री मिच्योर डिलीवरी करनी पड़ी। वरना मैं ये नहीं जानती थी कि मुझे 1.5 महीने हॉस्पिटल में रहना पड़े या 2 महीने हॉस्पिटल में रहना पड़े। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है अगर किसी को प्री एक्लेम्शिया या एक्लेम्शिया हो जाता है, जिसे हम प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन भी कहते हैं। बट क्या होता है, जब डिलीवरी हो जाती है उसके कुछ दिनों बाद ही ये प्रॉब्लम चली जाती है। मेरी तो शायद 2 से 3 दिन बाद ही ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया। तो मतलब कि प्लेसेंटा जैसे ही निकलता है उसके मतलब कि 1 से 2 दिन के बाद ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। घबराने की कोई बात नहीं है कि आपको लाइफ लॉन्ग पीपीआई होगा या कुछ प्रॉब्लम होगी, ये प्लेसेंटा के साथ ही चली जाती है अगर आपको प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपर टेंशन है। तो बस इस तरह की वीडियो मैं आपके साथ लाती रहूँगी और अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती रहूँगी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स मैंने फेस की, क्या क्या मेरे साथ हुआ। अपने एक्सपीरियंस को ही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसा ही टॉपिक लेके जो मेरे जीवन से जुड़ा हो। बाय गाइस।